दोस्तों समर और उसकी दादी के द्वारा बनाया गया प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मैं बात कर रहा हूँ आपका अपना पसंदीदा सीरियल मन सुंदर के बारे में। आप देख रहे होंगे कि मेरा लोकेशन चेंज हो गया है, थोड़ा अलग जगह पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हाँ, अब आप लोगों को इसी टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा, मतलब रिव्यू देंगे, लेकिन थोड़ा अभी सेटअप वगैरह का प्रॉब्लम है क्योंकि मैं मुंबई से अब दिल्ली आ चुका हूँ, तो दिल्ली में अभी स्टूडियो वगैरह मेरा बना नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। तो इधर पार्क में आकर बाहर थोड़ा साइड में, उधर बहुत ज़्यादा हाई हल्ला होता है, तो इधर ही अब शूट करेंगे और आप लोगों को डेली रिव्यू देखने को मिलेगा। और एपिसोड जो है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग कौन सा एपिसोड देखना चाहते हैं, और जो एपिसोड आप लोग देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो सीरियल आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। और हो सकता है डेली का डेली, मतलब देखो अब मैं डेली आप लोगों को वीडियो डालूँगा, ठीक है, रिव्यू तो है वो दिखाएंगे ही, लेकिन फुल वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मनसुंदर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मनसुंदर सीरियल में क्या हो रहा है कि रूही नहर का जो याददाश्त है उसको वापस लाने के लिए बहुत चाल चलती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, उनकी तो एक अलग ही कहानी चल रही है। लेकिन अग्नि जो है, अग्नि ये जूही की दादी जो है, हाँ, उसके साथ क्या करता है, समर और जूही को सोचता है कि समर के साथ वो रोमांस करेगा पूरे अच्छे तरीके से, वो उसने प्लान कर रखी होती है समर ने और उसकी दादी ने कि मैं कमरे में जाऊंगा और कमरे का लाइट एकदम बंद कर देना, फिर हम दोनों रोमांस करेंगे। और वो दोनों कमरे में जाते हैं, तब तक लाइट बंद कर देते हैं और वो लोग दोनों हग करने लगते हैं, जूही और समर हग करता है और कुछ ही देर में वो लाइट आ जाती है। कहते हैं ना कि अपने ही घर का बंदा जो है, अपने ही घर के लोग अपना घर बर्बाद करता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। वो क्या बोलती है, उनकी जो दादी है वो ऐसा सोच रही है क्योंकि उसकी जो पोता था ना, उसका पोता ही समर को डिस्टर्ब किया है। तो जूही उससे हग करते करते बस वो लोग मौसम बना ही रहे थे, मूड बन ही रहा था कि थोड़ा रोमांस करेंगे, तब तक लाइट ऑन हो जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जूही की जो दादी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, समर के साथ उसका शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित है और वो हमेशा उसके साथ शादी करवाने के लिए एकदम हर एक प्लान कर रही है। तो दोस्तों आगे आने वाला एपिसोड भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप लोग देखते रहना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, लव यू, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। लव यू, थैंक यू सो मच।